सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं बागा सराहन। तो ये जो जगह है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निरमंड तहसील में है। सो ये जगह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त हम रामपुर बुशहर में हैं और रामपुर बुशहर से निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी बागा सराहन की ओर। तो गाइस, बागा सराहन यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर्स है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। तो गाइस, इस वक्त हम निरमंड क्रॉस कर चुके हैं और अब हमारा सफ़र रह चुका है आधा। सो फाइनली गाइस, वी आर इन बागा सराहन। तो हम पहुंच चुके हैं बागा सराहन, बहुत ही सुंदर जगह है। सो गाइस, ये जो बागा सराहन का ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड लगभग 140 बीघा है। सो गाइस, मैदान के बीचों बीच बहता है एक नाला जो कि सांप की शेप में बहता है और जो कि इसकी ग्राउंड की जो मतलब कहते हैं ना कि चार चांद लगाता है, हाँ बस वही। तो गाइस, बीच में नाला तो था नहीं। तो गाइस, मैदान के कोने में भी बहता है एक बागा यानी कि नहर। तो हम चल पड़े वो देखने। बट गाइस, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और हमने क्या देखा, तो आप ही देखिए वो कि हमने क्या देखा। तो इस जो ये दीवार आपको दिख रही है सामने गाइस, इसी के बिल्कुल पीछे वो नाला बहता है। तो चलिए देखते हैं नाले को। तो गाइस, यहाँ पर आ गया है एक ट्विस्ट, नाले में पानी तो है नहीं।
तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन सारी खुशियों का पानी पानी हो गया, ये बस चुल्लू भर पानी बच चुका है और इसमें हम अब डूब के मरने वाले हैं। तो गाइस फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, हमारे को यहाँ मिले एक बुजुर्ग हैं, मामटी कह सकते हो आप गाइस, मतलब ये पागस रान के एक नंबर खेड़ी बंदे हैं। तो गाइस रूबरू कराते हैं आपको अपने मामटी साहब से, चलिए। तो गाइज ये थे अपने मामटी साहब, तो कभी भी पागस रान आओ तो इनसे मिलना ना भूले। तो तब तक के लिए गाइज वीडियो को करते हैं ख़त्म, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें।